We discuss about the Bardic succession on Bear Rock or Lido Seer. Lido Seer also called Siri, also called the Zero Siri, because the succession occur on the bare areas or in the rock. तो जीरो सीरी में क्या है, सबसे पहले बेयर एरिया होता है और उसके ऊपर लाइकन है, वो पियोनियर कम्युनिटी है, तो सबसे पहले लाइकन जर्मिनेट होंगे बेयर एरिया पे रोक के ऊपर, और लाइकन है एसिड रिलीज करते हैं जिससे कि रोक की वेदरिंग होती है, जिससे रोक के फाइन पार्टिकल बन जाते हैं, और तो वो लाइकन की डेथ के बाद फाइन जो वेदर्ड रोक है वो उसके प्लांट बॉडी के डीकम्पोज्ड पार्ट के साथ मिक्सअप होके नेक्स्ट स्टेज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट और द सोयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि उसके बाद लाइकन्स की ग्रोथ के बाद, जैसे कि दो तीन तरह के लाइकन्स होते हैं, क्रिस्टोज लाइकन्स, होलियोज लाइकन्स, मोसिस, एंड उसके बाद होलियोज लाइकन के बाद मोस स्टेज आती है, और फिर हर्ब स्टेज, एंड फाइनली द सर्व स्टेज, एंड देन द ट्रीज और फॉरेस्ट स्टेज कम्स। तो लाइकन्स है, लाइकन्स के बाद मोसिस प्रोड्यूस हो गए, जो कि स्लाइटली लार्ज प्लांट देन दैट ऑफ द लाइकन्स। लाइकन्स आर वेरी माइन्यूट प्लांट्स होते हैं। उसके बाद एनिमल इनके डेथ और डीके के बाद और साथ साथ वेदरिंग होती रहती है उसकी रोग की, तो उनका जो बॉडी पार्ट है वो वेदर रोग के साथ मिलकर फाइन सोयल पार्टिकल्स और सोयल की लेयर बना देते हैं, जो भी फेवरेबल होती है एनुअल ग्रासेस की ग्रोथ के लिए, और फिर वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं एनुअल ग्रासेस। फिर एनुअल ग्रासेस की जब कुछ टाइम के लिए ग्रो करने के बाद इनकी डेथ और डीके होती है और साथ साथ डिकम्पोजिशन होती है रॉक मटेरियल की, तो मिक्स हो गए इनकी प्लांट बॉडी और ये वेदर रॉक फॉर्म ए स्लाइटली थिक लेयर ऑफ द सोयल दैट इज सुटेबल फॉर द पेरेनियल ग्रासेस की ग्रोथ के लिए सुटेबल हो जाती है। फिर पेरेनियल ग्रासेस डेवलप होते हैं, मीन्स इनका लंबे समय तक लाइफ साइकिल के कई सीजन तक ग्रो करते हैं ये। उसके बाद इनका डेथ होने के बाद ये फिर मिक्सअप हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर है इनका बॉडी का, वो सोयल में और वेदर रॉक में दे फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ द सोयल दैट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ शर्ब्स। शर्ब्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल सोयल बन जाती है। अब शर्ब ग्रो कर जाते हैं उस एरिया में, सर्व की कम्युनिटी आती है, फिर सर्व कई सीजन तक ग्रो करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है और ये मिक्सअप हो जाते हैं सोयल पार्टिकल्स के साथ, और दे फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ सोयल एंड फॉर्म एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। उसके बाद वहाँ पे उस एरिया में ट्रीज ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे सोयल फॉर्मेशन भी हो जाती है और एनवायरनमेंट है वो ट्रीज के लिए सुटेबल हो जाता है। दिस इज द बायोटिक सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक और कॉल्ड लीडो सीरी और जीरो सीरी। इसमें डिफरेंट स्टेजेस हम स्टडी करेंगे इसकी, ये हमने डिस्कस किया था जीरो सीरी, इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की इन नेक्स्ट वीडियो।